जानने के कुछ अच्छे अशआर कहूंगा कि हो सकता है आज आप इस सर से उतर जाए मुझसे, लेकिन मिंबरे बागे मुस्तफा पे जो बैठे हैं हमारे आंखों की ठंडक, दिल का चैन, आले हसूल इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक एक शेर के लिए दुआएं देंगे। आज की शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूँ हम सबके आका की वो सबसे चहेती भेटी इमाम हसन इमाम हुसैन की अगली जान हजरत मौला अली की दर्द मुहतरमा जिसे पूरी दुनिया के लोग खातमे जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के नाम से जानते हैं। आज का जिक्र जरा वहीं से शुरू होगा भाई, उन्हीं की बारगाह में उन्हीं की औलाद माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मंदिर पर मुस्तफा खुशी करते हैं। मैं इनकी झुकियों को अपने सरकार ताज बनाते हुए जितने बातों जहरा की वारदात में मंत्र से कुछ शेर पढ़ रहा हूँ। अगर आपको शेर समझ में आए चाहे ना आए बंगाल वालों, लेकिन इसी इतना जानिएगा कि जिक्र उसका हो रहा है जो मेरे आका की सबसे चहेती बेटी है। मेरे आका जिससे बड़ी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि जब कभी वो सफर में जाते थे तो आखिरी में अपने फातिमा की ज्यारत करने के बाद सफर में जाया करते थे, लेकिन जब वापस आते थे तो सबसे पहले अपने फातिमा की ज्यारत करके दीदार करके उसके बाद किसी और से मुलाकात करते थे। वो मकाम है अपने फातिमा का, शेर में सिर्फ अपने फातिमा का मकाम इंशाल्लाह आप एक एक शेर में अंदाजा लगाएंगे। मैं पढ़ता हूँ पूरी बेदारी के साथ, उसके बाद तकरीर होगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक ऐसे शेर मलकवती हौसले आलम के हजरत मौला अली की शान में कुछ अशआर आप समाप्त करेंगे, लेकिन मैं पहले पढ़ता हूँ हजरत फातिमा की बारगाह में पूरा मजमा मिलकर अपने नबी की बारगाह में बाबा के फलन बल्ले पाक हो गए बड़ी सही है बात है।
ਮਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਬ ਰਬ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਕੇ
मुझसे बात करता था, क्या मकाम उसने जो तेरे हाथ की पतली, बाबा।
असर पड़ रही है बात सही जगह असर पड़ रही है बात सही जगह असर पड़ रही है बात असर पड़ रही है बात सही जगह असर पड़ रही है बात सही जगह असर पढ़ रही है।